पुरानी पेंशन बहाली, पदों का पुनर्गठन, ट्रामा सेंटर पर फार्मासिस्ट के पदों का सृजन, प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य उपकेंद्र पर फार्मेसी स्टोर के पदों का सृजन और नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को दूसरे दिन भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अध्यक्ष बीडी चौधरी के नेतृत्व में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी चौधरी ने कहा कि 8 दिसंबर को सभी फार्मासिस्ट सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और मांगे पूरी न होने पर 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय, जिला महिला अस्पताल समेत मेडिकल कॉलेज में भी दवा वितरण का कार्य पूरी तरह से ठप रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी चौधरी ने कहा कि 8 दिसंबर को सभी फार्मासिस्ट सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और मांगे पूरी न होने पर 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय, जिला महिला अस्पताल समेत मेडिकल कॉलेज में भी दवा वितरण का कार्य पूरी तरह से ठप रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी चौधरी ने कहा, हम लोगों की मांगे, मैं बीडी चौधरी, डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ, मंडलीय सचिव गोरखपुर का भी। हमारे यहाँ जो प्रदेश के कार्यक्रम के अनुसार हम लोग काला फीता बांध करके 3 दिन 3-4-5 का कार्यक्रम चलाया गया और 6 और 7 को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 8 से 10 हम ग्रामीण अंचलों में 10 से 12 और बीआरडी मेडिकल शहरी क्षेत्र में 8 से 10 आज का दूसरा दिन है हम लोगों का कार्य बहिष्कार। कल हम लोग पूरे जनपद के नहीं, पूरे प्रदेश के लोग सब लोग एक सामूहिक अवकाश लेंगे, द्वितीय शनिवार का उपभोग करेंगे और उसके बाद अगर सरकार फिर भी विचार नहीं करती हम लोगों की जो पिछली मांगों को, तो हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, जैसा कि हमारे प्रांतीय नेताओं का घोषणा पहले से की जा चुकी है, शासन प्रशासन सब अवगत हैं, इसलिए हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश के कार्यक्रम के अनुसार चले जाएंगे, जिसमें सारी सेवाएं बाधित रहेंगी, उसमें पीएम इमरजेंसी सब लोग 100% हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश का सख्त है आदेश है। हमारे जितने भी सदस्य हैं 15-16 हज़ार फार्मेसी लगभग टोटल जो हैं 10 तारीख से हड़ताल पे चले जाएंगे और अब भी सरकार अगर नहीं चेती, हम लोगों का जनहित में किसी भी मरीजों से कोई दिक्कत नहीं है, उनका हम सहयोग देना चाहते हैं, फिर भी सरकार के जो भी अभी तक समझौते हुए हैं उस समझौतों को लागू नहीं कर रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश की है, उसको बहाल करने के लिए बच्चों की नियुक्ति नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और उसके बावजूद भी बैच नहीं निकल रहा है, ना पदोन्नतियाँ हो रही हैं, ना प्रमोशन के आए हुए हैं, जो भी अभी तक ACR नहीं भेजे गए हैं। सरकार अभी हम लोग धरना प्रदर्शन 26 को किए थे DG महोदय यहाँ, और उसके बावजूद भी कोई समझौता होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई, प्रदेश की जितने भी अस्पताल हैं वहाँ के अधिकारी या तो कागज नहीं भेजते हैं या कुछ सूचनाएं ऐसी चली जाती हैं जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा बनी रहती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है ये और इस जनपद को हम लोग सुचारू रूप से
मरीजों के हित में कार्य करना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई थी, उन्होंने वचन दिया था कि नहीं आप लोगों की मांगे सब जायज़ हैं, जो भी स्केल है 4600-4800 का ग्रेड या 4800-5400 चीफ फार्मासिस्टों का स्केल करने के लिए और 6600-7600 अभी तक कोई जब समायोजन ही नहीं होगा, किसी पदोन्नत नहीं होगी तो कैसे आगे की सीटें हम लोगों की भरी जाएंगी। मुख्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर तक पद है, फिर भी कभी भी नहीं भर पाता है, क्योंकि ये जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं वो समय से पदोन्नत नहीं करते हैं, एसीआर नहीं भेजते हैं, और हर जनपदों के अधिकारी भी एसीआर नहीं भेजते हैं। मांगने पे भी 2 बार 3 बार 4 रिमाइंडर होता है। कार्यालय की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है और इस सब में सुधार की ज़रूरत है। और फार्मेसिस्ट हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज में सब लोग जहाँ डॉक्टर रहते हुए भी कार्य नहीं करते हैं, वहाँ हमारे फार्मेसिस्ट दिन रात वहाँ सेवा में लगे हुए हैं और सारा अस्पताल का कार्य उन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार जैसे CSC PSC SAD जो NM सेंटर हैं, अगर वहाँ भी बच्चों की नियुक्ति कर दे तो हमारे जितने बेरोजगार हैं फार्मेसिस्ट, वो जनता की सेवा में जनहित में सारे लोग उसका वो इस्तेमाल करें। हमारे फार्मेसी कर्मण नौजवान इतने बेरोजगार हैं और सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा करके दवा की दुकान करते हैं, किसी दूसरे दुकान पर बैठते हैं। NM सेंटर पे अगर उनकी नियुक्ति हो जाए तो हर पंचायत में एक फार्मेसिस्ट और सब सेंटरों पे उपलब्ध रहेंगे, और जो कि डॉक्टर की अगर इस तरह की क्राइसिस बनी हुई है तो उस जगह पे उस रिक्त पद को वो भर सकते हैं अस्पताल का। इसे धन्यवाद।